कोई बसा बसाया शहर अचानक ही रातों रात खाली हो जाए, यह सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन आज से 58 साल पहले अमेरिका में कुछ ऐसा ही हो चुका है। यहाँ के पेंसिल्वेनिया में स्थित सेंट्रालिया टाउन को रातों रात खाली करा लिया गया था। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो शायद यहाँ रहने वाले लोग मारे जाते। अब यह शहर लगभग वीरान हो चुका है और इस वजह से यह घोस्ट टाउन के नाम से भी मशहूर है। हालांकि यहाँ लोग घूमने के लिए अक्सर आते रहते हैं, लेकिन जगह जगह बोर्ड लगाकर उन्हें इस शहर में होने वाले खतरों से आगाह भी किया जाता है। दरअसल यहाँ जमीन के नीचे भयंकर आग लगी हुई है जो 58 साल से लगातार जल रही है। सेंट्रालिया का यही रहस्य दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करता है। कभी इस शहर में 1400 के करीब लोग रहते थे, लेकिन 2017 तक यहाँ सिर्फ 5 लोग ही बचे थे। घोस्ट टाउन के नाम से जाना जाने वाला सेंट्रालिया कभी कोयले की खदानों के लिए मशहूर था, लेकिन बताया जाता है कि साल 1962 में शहर के आसपास फैले कचरे में आग लग गई थी, जिसके बाद वो आग धीरे धीरे जमीन के नीचे मौजूद कोयले की खदानों तक जा पहुंची। जमीन के नीचे लगातार बढ़ती आग की वजह से शहर में कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी कई जहरीली गैसें फैलने लगी। इस वजह से शहर में रह रहे लोगों ने यह जगह छोड़ दी और दूसरी जगह चले गए। विशेषज्ञों की माने तो सेंट्रालिया में जमीन के नीचे अभी भी इतना कोयला मौजूद है कि यह जगह करीब 250 साल तक लगातार जलती रहेगी। इस आग की वजह से यहाँ की सड़कें गल गई हैं और जगह जगह गड्ढे बन गए हैं, इनसे धुआं निकलते ही रहता है। ऐसा नहीं है कि अमेरिकी सरकार ने जमीन के नीचे लगी इस आग को बुझाने के बारे में नहीं सोचा, लेकिन इसमें अरबों रुपए खर्च हो जाते। इस वजह से सरकार ने सेंट्रालिया की आग बुझाने के बजाय यहाँ के लोगों को दूसरे शहर में बसाना ही ठीक समझा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।